हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ बाय रफत। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेके। यस, आजकल की रोज़मर्रा की लाइफ में डायबिटीज़ एक कॉमन डिजीज़ बन चुकी है, लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ है जिससे हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे तीन होम इन्ग्रीडियंट्स। ये देखिए, पहला है पनीर फूल, इंडियन रेनेट। ये जो है आपको इजीली कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। दूसरा है मेथी दाना, ये तो आपके घरों में अवेलेबल ही रहता है। तीसरा है दालचीनी, इसे मैंने बारीक मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीन में से आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। तो इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एक ग्लास पानी ले लेंगे, इसमें एक चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और इसे हमें रात भर भिगो के रखना है। सवेरे निहार पेट हमें इस पानी को पी लेना है और मेथी दाना हम ऐसे ही चबा के खा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि मेथी अगर आप डेली आपके डाइट में रखेंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, इससे ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है। दूसरा तरीका जो है वो भी इसी तरह है, ये देखिए। तो पहले हम ले लेंगे एक ग्लास पानी, इसमें हम एक चम्मच पनीर फूल डाल देंगे। इसे भी हमें उसी तरह फॉलो करना है, इसे हम रात भर पानी में भिगो के रख देंगे और सवेरे इस पानी को छान कर हमें निहार पेट ये पानी पी लेना है। ये थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन मानिए अगर आप इसे 15-20 दिन तक रेगुलरली पियेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आएगा। और तीसरा और आखिरी जो तरीका है वो इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कुनकुना पानी ले लेंगे, लूक वार्म वाटर, और इसके अंदर एक चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल देंगे और इसे हमें सवेरे इंस्टेंटली बना के निहार पेट ले लेना है। और ये तीनों जो तरीके हैं ये काफ़ी फायदेमंद है, आप इसे ट्राई करके देखिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।